बेटा हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है सब बच्चों के क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के ठीक है सर ओके तो अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने कवर किए यहां पर जो जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक कवर किए बेटा क्या क्या कवर कर लिया हमने डिफ्रेंसिएशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कर लिए वो थे बेटा पहले हमने किया कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फिर हमने की कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें एक मैंने आपको पढ़ा आपके साथ कौन सा बेटा प्रोडक्ट रूल फिर हमने यहां पर किया एक क्वेश्चन रूल भी कवर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमने किया दैट वाज इन द लास्ट क्लास चेन रूल और फिर लास्ट क्लास में जाते जाते डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन बेटा ये टॉपिक हमने अभी तक इस चैप्टर में कवर कर लिए हैं आज आज इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस यहां पर हम कवर करेंगे ठीक है बेटा इन्हीं के ऊपर बेस तो मेरे साथ साथ यहां पर ये एक्सरसाइज है आपके पास आ, ड्राइव में है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे साथ साथ देखना शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं और कुछ अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमने अभी तक नहीं किया है तो लेट स्टार्ट विद लेट स्टार्ट क्वेश्चंस पढ़िए बेटा पहला क्या बोल रहा है द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क् लॉग एक्स आओ बेटा मिक्स क्वेश्चन है जितनी बातें अभी तक हमने की उन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बेटा इसका डेरिवेटिव आपको निकाल के देना है इसको मैंने y मान लिया तो यानी क्या निकाल के देना है मुझे मुझे डी वाई बाय डी एक्स निकाल के देना है चेक करो बेटा ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव है कि नहीं है हां तो उसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन सेम कॉपी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सॉल्व करेंगे कैंसल प्लस टू एक्स log x is the required answer. 2x log x is the required answer. करिए बेटा फटाफट से करिए फटाफट से नोट ये क्वेश्चंस ही हमारे को आज कवर करने हैं आज की क्लास में हम सिर्फ ये क्वेश्चंस ही यहां पर कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर वन उसने कहा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालिए बेटा क्या हो गया यहां पर अगर हम एक्स कॉमन लें तो वन प्लस ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स बन जाएगा आंसर लिखे हुए मैंने आपके रेफरेंस के लिए लेकिन आज की पूरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं आइए बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री पर क्वेश्चन नंबर थ्री देखें क्या कह रहा है गिवेन एक्स इज इक्वल टू टू टी प्लस फाइव एक्स दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टी वाई भी दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टी यानी डी एक्स बाय आ जाएगा डी वाई बाय डी टी आ जाएगा लेकिन ना तो डीएक्स बाय डी टी पूछा है उसने क्या पूछा डी वाई बाय डी एक्स बेटा ये बताइए ये बताइए फटाफट से डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वही तो हो गया हां सर तो आओ बेटा सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहा इसने इसने बोला x इज इक्वल टू टू टी प्लस फाइव एंड वाई इज इक्वल टू टी स्क् माइनस टू टी स्क् माइनस टू आपको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स आपको निकालना है डी वाई बाय डी एक्स आओ बेटा शुरू करते हैं क्या यहां से डी एक्स बाय बता पाओगे टू क्या यहाँ से डी वाई बाई डी टी बता पाओगे टू टी तो नौ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई dt डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स डी वाई डी टी इज टू टी और डी टी बाय डी एक्स यहाँ से आ जाएगा कितना वन बाय टू आंसर इज टी आंसर इज टी आंसर इज टी बेटा क्वेश्चन ही कर रहे हैं यहां पर आज सारे आंसर इज टी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन डेरीवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन आइए बेटा क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे एट अब एट आओ पढ़ देता हूं मैं आपके लिए एट क्वेश्चन क्या कह रहा है एट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा यहां पर ये यह देखो x इज इक्वल टू टू टी प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस फाइव आपको फिर से डी वाई बाय डी एक्स निकाल कर देना है सर हाँ बेटा सर लगभग सेम ही तो क्वेश्चन है कोई बात नहीं बेटा करो फिर सेम है तो ये लो एथ क्वेश्चन है x is equal to 2t plus 5, y is equal to t square minus 5. dy by dx निकाल कर देना है dy वाई बाय निकाल कर देना है dx by dt डी टी टू डी तो डी वाई बाय डी एक्स रहेगा डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स ये तो ऑलरेडी टू है यहां से यहां से ले आओगे डी टी बायक्स वन बाय टू आंसर इज अगेन टी एट क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन फटाफट से नोट करिए बेटा जरा ट्राई करो इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन डेरीवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन डेरीवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन नाइन्थ क्वेश्चन थ हो जाए नाइन्थ हो जाए तो बेटा इलेवंथ क्वेश्चन करिएगा x इज इक्वल टू सी टी वाई इज इक्वल टू सी बाय टी फिर से dy वाई डी एक्स बताओ करो बेटा फटाफट से। इलेवेंथ के बाद थर्टींथ क्वेश्चन है हमारे पास वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ फाइव माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर ये भी करके दो डी वाई बाय डी एक्स निकाल कर दीजिए थर्टीन के बाद फोर्टीन नहीं हो पाएगा अभी फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू लॉग टी वाई इज इक्वल टू ई की पावर टी यानी कैटेगरी बन गई फिर से डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन तेरह पंद्रह ग्यारह नौ ग्यारह तेरह पंद्रह करो बेटा नौ ग्यारह 13, पंद्रह ये क्वेश्चन फिलहाल करके दीजिए मुझे फर्स्ट फेस में कुछ कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं मैंने इम्प्लिसिट डिफ्रेंसीशन के क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट हमने अभी नहीं किया इन सब के आंसर्स भी यहीं पर साथ में लिखे हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए थर्ड हम कर चुके हैं करिए बेटा इंथ आसान आसान क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के ही क्वेश्चन है जरा झटपट से करके दीजिए वन थ्री एट नाइन एलेवन थर्टीन और फिफ्टीन ये सारे क्वेश्चन आपको अभी करके देने हैं एट तक मैंने आपको करा दिया नाइन्थ एलेवंथ थर्टीन फिफ्टीन ये चारों क्वेश्चंस जरा फटाफट से मुझे करके दीजिए एक कॉन्स्टेंट है वहां पर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में इलेवेंथ में सी कांस्टेंट है टी इज अ वेरिएबल थर्टींथ में चेन रूल लगेगा पहले लॉग का डेरिवेटिव निकालिए और फिर अंदर जो लिखा हुआ है यानी कि जो अंदर लिखा हुआ है उस पर लगाइएगा क्वेश्चन रूल और फिफ्टींथ क्वेश्चन फिर से डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन इन सभी में इन सभी में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज तो बार बार यूज हो ही रही हैं तो बेटा देखना शुरू करिए नाइन्थ देखिए बेटा बताओ डीएक्स बाय कितना आएगा ए इज अंस्टेंट टू टी यहां पर डी वाई बाय क्या आएगा टू ए टी का डेरिवेटिव वन आएगा तो यानी कि अब डी वाई बाय डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स टू एक्स इंटू वन अपॉन टू ए टी आंसर वुड बी वन बाय टी फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए और इलेवन पर आइए dx बाय डी टी सी रहेगा डी वाई बाय डी टी सी रहा यहां पर टी की पावर माइनस वन है तो पावर आउटसाइड पावर रिड्यूस बाय वन यानी ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन टी स्क्वायर अब मुझे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स चाहिए यानी डी वाई dt डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स डी वाई बाई डी टी इज माइनस सी अपॉन टी स्क्वायर इंटू वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर ज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर इलेवन फॉर क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन ही देख रहे हैं बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल चेन रूल डेरीवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन यहां देखे बेटा क्या करेंगे थर्टींथ में सर थर्टींथ में क्या करेंगे कि चेन रूल की बात कर रहा है तो लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन फाइव माइनस फोर एक्स स्क्वायर यानी वन अपॉन लॉग ऑफ अ नंबर का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन नंबर इन अब निकालिए डेरिवेटिव इस फ्रैक्शन का यूजिंग क्वेश्चन रूल आओ बेटा डिनोमिनेटर सेम कॉपी डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बता देना बेटा कहीं दिक्कत आए तो न्यूमरेटर सेम कॉपी डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये हो जाएगा बेटा थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर जरा इसको सॉल्व कराइए फटाफट से क्या बन रहा है करिए बेटा फटाफट से ये आएगा माइनस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस फोर्टी एक्स क्यूब माइनस फिफ्टी एक्स माइनस फोर्टी एक्स क्यूब होल अपॉन थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया फोर्टी एक्स क्यूब से फोर्टी एक्स क्यूब कैंसल हो गया बचा क्या ऊपर ऊपर बचेगा बेटा फिफ्टी माइनस ट्वेंटी फोर एक्स यानी छब्बीस एक्स में आएगा माइनस uh, गलत है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस सेवेंटी फोर एक्स अपॉन इतना इंटू थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर फटाफट से नोट कर लीजिए इसको फिफ्टीनथ के बाद बेटा सिक्सटींथ पर आइए इसके बाद dx बाई डी टी हो जाएगा वन अपॉइंट टी डी वाई बाई डी टी हो जाएगा e की पावर t तो अब dy वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसे लिख पाएंगे dy वाई बाई डी टी यानी ई की पावर t इंटू टी क्योंकि यहां से डी टी बाय डी एक्स बन जाएगा टी वही यहां पर लिखा तो दिस वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर लो बेटा फटाफट फड़ से नोट करिए इसको सेवनटींथ क्वेश्चन और है इसके बाद करिए उसे भी क्ल टू थ्री टी की पावर फोर फाइव टी क्यूब 2t टी स्क्वेर प्लस t प्लस फोर आपको बताना है du by dt कितना होगा एट t इज equal टू minus वन डेवेटिव ऑफ u निकालिए विद रिस्पेक्ट टू t डेरीवेटिव ऑफ u निकालिए विद रिस्पेक्ट टू t और उसमें t की वैल्यू वन पुट कर दीजिएगा देखना बेटा पहले डी यू बाई डी टी चेक करें तो ट्वेल्व टी टी क्यूब फिफ्टीन टी स्क्वा प्लस वन नोपुट टी इज इक्वल टू माइनस वन ये हो जाएगा ट्वेल्व इंटू माइनस वन फिफ्टीन इंटू माइनस वन का स्क्वायर इज वन प्लस फोर इंटू माइनस वन प्लस वन माइनस बारह प्लस पंद्रह माइनस चार प्लस एक सोलह और सोलह जीरो इज द रिक्वायर्ड आंसर बेटा ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के कर रहे हैं खबर फटाफट से नोट करिए इसको ये क्वेश्चंस थे बेटा हमारे पास एक्सरसाइज वन में से इसी में ये सेवनटीन क्वेश्चन था ये भी हमने कवर कर लिया बेटा ठीक है सारी बात ये चलिए कुछ और आ, सीखना शुरू करेंगे यहां पर अब कुछ और कवर करना शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन दोबारा से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन सुनिए सुनिए अभी तक क्या था अभी तक मुझे दिया हुआ था कोई भी फंक्शन वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स बेटा ऐसे ही था या नहीं था दीज आर कॉल्ड सिंपल फंक्शंस जहां पर हम वाई को पढ़ पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स लेकिन कई बार क्या होगा आप वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं लिख पाएंगे जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई अब इसमें अगर आप प्रयास करें y को इन टर्म्स ऑफ x लिखने का नहीं कर पाओगे नहीं कर पाएंगे आप अगर आप y इन टर्म्स ऑफ x लिखने का प्रयास करोगे तो आप नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाइएगा तो क्या करेंगे फिर इसको बेटा अगर ये ही क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है लेट से क्वेश्चन नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 पर आ गए हम उसने ये दिया और बोला फाइंड डी वाई बाय डी एक्स डेवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन डीवाई बाई डी एक्स निकालिए तो इसको हम एज इट इज ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे जैसे सुनिए बताना बेटा इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखो डेरीवेटिव निकालो एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालो y वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालो एक्स इन टू वाई का पूरी की पूरे रिलेशनशिप का ही डेरिवेटिव निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सिंपली टू एक्स मुझे मालूम ही है ये ध्यान से देखिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट वुड बी टू वाई अब ये वाई तो स्क्वायर तो यहां से खत्म हो गया क्या बचा सिर्फ वाई बचा तो वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स ध्यान से देखना बेटा सर एक्स एक्सक्वायर में क्यों नहीं किया एक्स स्क्वायर में भी किया है मैंने जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो पहले लिखा टू एक्स ये स्क्वायर हट गया और फिर जब एक्स का डेरिवेटिव निकाला तो वो डी एक्स बायस वन हो गया था इसलिए मैंने सिंपली यहां पर टू एक्स डाल दिया था ओहो ठीक है अब आगे बढ़िए डेरिवेटिव बताइए एक्स इंटू वाई का यूजिंग प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल दो फंक्शन हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सॉल्व करें टू एक्स टू वाई डी वाई बायस एक्स डी वाई और ये हो जाएगा वन क्योंकि dx बाई डी एक्स वन हो जाएगा तो वाई रह जाएगा डी वाई बाय डी एक्स वाली टर्म्स इकट्ठा कर लें एक साथ ये लो जी और बाकी सब दूसरी तरफ तो नाउ यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स एज दिस ना दिस इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन ऑफ इम्प्लेसिट फंक्शन मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूं कॉपी कर पाएंगे आराम से करिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन जहां पर एक्स और वाई की सारी मिक्स वैल्यूज पड़ी हैं, यानी वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख पाना कठिन होगा तो मैंने क्या किया मैंने इस इक्वेशन का मैंने इस रिलेशनशिप का एज इट इज डेरिवेटिव निकालना शुरू कर दिया और उस डेरिवेटिव में जो भी dy बाय डीएक्स वाली टर्म्स थी उन सबको हमने अलग से इकट्ठा कर लिया एंड एंड dy बाई डी एक्स की वैल्यू कॉन्सिक्वेंटली मुझे मिल गई dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज मुझे फिर मिल गई एक्स और वाई की वैल्यू सारी आपस में मिक्स हैं तो ऐसे में ऐसे में हमने उसको एज इट इज ही सॉल्व कर लिया और डी वाई बाई डी एक्स एक साथ इकट्ठा किया बाकी सब दूसरी तरफ देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर लिखो बेटा एक और एग्जाम्पल नाइनटीन ई की पावर एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई इज इक्वल टू फोर फाइन डीवाई बाय डी एक्स वैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज वन में लेकिन फिलहाल यहां पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं फिर मैं क्वेश्चंस आपको कुछ करने के लिए दूंगा करिए बेटा ई की पावर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा विल रिमेन सेम और एक्स वाई क्या क्या होगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फोर फिर से फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ़ फर्स्ट फोर का डेरिवेटिव जीरो मैंने इस पूरे ही इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्रोडक्ट रूल यूज़ किया चेन रूल यूज़ किया अब सारी डीएक्स बाय डीवाई वाली टर्म्स एक साथ इकट्ठा कर लीजिए e की पावर एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस e की पावर एक्स वाई इंटू वाई माइनस फोर एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू जीरो e की पावर ई एक्स एक्सवाई इंटू एक्स माइनस फोर एक्स ये तो डी वाई बाय डी एक्स में से इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया और बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए फोर वाई माइनस ई की पावर एक्स वाई इंटू वाई डी वाई बाय डी एक्स को लिख पाएंगे फोर वाई ई की पावर एक्स वाई को यहाँ से लिख सकते हैं फोर प्लस फोर एक्स वाई लिख सकते हैं फोर प्लस फोर एक्स वाई सॉल्व करिए कैंसल हो जाएगा माइनस फोर वाई माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर फोर एक्स फोर एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर एक्स फोर से फोर कैंसल बोलो बेटा ये हो जाएगा एक्स वाई से एक्स वाई एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल और ऊपर बचा फोर माइनस वाई अपॉन एक्स वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर करिए बेटा फटाफट से नोट लास्ट में तो सिर्फ सॉल्व किया है मैंने ये नोट कर लीजिए बेटा फटाफट फ़ड़ से इसको चलिए बेटा तो इसके साथ ही एक्सरसाइज वन के बचे हुए क्वेश्चन सब आप कंप्लीट करेंगे और इसके आगे की चर्चा शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ठीक आज की चर्चा यहीं पर समाप्त धन्यवाद बाय बाय